हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CPWA सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स का पहला चैप्टर। पिछले वीडियो में हमने पूरे सिलेबस का ओवरव्यू देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे मिल जाएगा, एक बार ज़रूर देखें। आज का चैप्टर है एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन, तो कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है और ये जो कोड है, अकाउंट कोड है, CPW अकाउंट कोड, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा इसके बारे में है। वैसे चैप्टर स्टार्ट होता है विद रूल नंबर 133 ऑफ GFR 2017, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 का रूल नंबर 133 से ये चैप्टर शुरू होता है। अगर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो इसमें ये जो रूल है 133, ये GFR 2005 में 126 रूल नंबर था, 2017 के GFR में ये रूल नंबर 133 पे है। क्या कहता है ये रूल कि कोई भी मिनिस्ट्री कौन कौन से वर्क खुद से परफॉर्म कर सकती है और कौन कौन से वर्क उसको दूसरे सिविल डिपार्टमेंट से कराना होगा। तो रूल ये कहता है कि कोई भी मिनिस्ट्री कौन कौन से काम करेगी, उससे पहले हम ये देखें कि वर्क्स कितने टाइप के होंगे। वर्क्स बेसिकली होते हैं दो टाइप के, एक होता है ओरिजिनल वर्क और दूसरा होता है रिपेयर वर्क। रिपेयर वर्क को फर्दर हमने दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया, पहले वो वर्क जिनका टोटल एक्सपेंडिचर 30 लाख या 30 लाख रुपए से कम है, और दूसरे वो वर्क जिनका एक्सपेंडिचर 30 लाख से ज़्यादा है। तो कोई भी मिनिस्ट्री 30 लाख से कम तक के सारे रिपेयर वर्क खुद से एग्जीक्यूट कर सकती है, और यदि 30 लाख से ज़्यादा का रिपेयर वर्क है तो उसको किसी दूसरे सिविल डिपार्टमेंट से एग्जीक्यूट कराना होगा। ये रिपेयर वर्क का हुआ, 30 लाख तक का वर्क है तो वो खुद से एग्जीक्यूट कर सकती है, 30 लाख से ज़्यादा का वर्क है तो उसको दूसरे सिविल डिपार्टमेंट से एग्जीक्यूट कराना होगा। रही बात ओरिजिनल वर्क की, तो ओरिजिनल वर्क अगर एक रुपये का भी है तो कोई भी मिनिस्ट्री उसको खुद से एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, उसे किसी न किसी सिविल डिपार्टमेंट से एग्जीक्यूट कराना होगा। अब जो वर्क वो खुद से एग्जीक्यूट नहीं करती वो कहाँ से एग्जीक्यूट कराएगी, तो इसमें सबसे पहले तीन कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, दूसरा है PWD ऑफ स्टेट, स्टेट का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और इसके अलावा गवर्नमेंट के जो दूसरे सिविल डिपार्टमेंट्स हैं, इन दोनों के अलावा उनसे उसको अपना वर्क कराना होगा। तो कोई भी मिनिस्ट्री जो काम खुद से नहीं करा सकती उसको या तो CPWD से एग्जीक्यूट कराएगी, या फिर स्टेट की PWD से कराएगी, या फिर गवर्नमेंट के किसी दूसरे सिविल डिपार्टमेंट से एग्जीक्यूट कराएगी। लेकिन अगर वो इन तीनों कैटेगरी के बाहर किसी एजेंसी या किसी डिपार्टमेंट से अपना वर्क एग्जीक्यूट कराना चाहती है तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से कंसल्ट करना होगा। तो जब भी कोई भी मिनिस्ट्री इन तीनों से बाहर किसी भी डिपार्टमेंट या एजेंसी से अपना वर्क एग्जीक्यूट कराएगी तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से कंसल्ट करना होगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि मान लीजिए इस मिनिस्ट्री का खुद का सिविल एजेंसी है, जैसे कि रेलवे के पास होता है। तो अगर इस मिनिस्ट्री के पास खुद का सिविल एजेंसी है और ये इससे अपना वर्क करा रही है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना सा पोर्शन है, एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं कि कोई भी मिनिस्ट्री 30 लाख या 30 लाख से कम तक के रिपेयर वर्क खुद से एग्जीक्यूट कर सकती है, लेकिन 30 लाख से ऊपर तक के रिपेयर वर्क्स और सारे ओरिजिनल वर्क्स उसको या तो CPWD से या फिर स्टेट के PWD से या फिर गवर्नमेंट के किसी दूसरे सिविल डिपार्टमेंट से एग्जीक्यूट कराना होगा। अगर इन तीनों के बाहर उसको कहीं और से अपना वर्क एग्जीक्यूट कराना है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से कंसल्ट करना होगा। लेकिन अगर उस मिनिस्ट्री के पास खुद का सिविल एजेंसी है और ये इससे अपना वर्क एग्जीक्यूट करा रही है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है रूल नंबर 134 ऑफ GFR 2017। GFR 2005 में रूल नंबर 127 था, GFR 2017 में ये रूल नंबर 134 है। ये कहता है दैट एनी वर्क्स विच इज़ नॉट अलॉटेड टू एनी अदर डिपार्टमेंट इज़ बाई डिफॉल्ट अलॉटेड टू CPWD। कोई भी वर्क जो दूसरे किसी सिविल डिपार्टमेंट के अलॉट नहीं किया गया वो बाई डिफॉल्ट CPWD को अलॉट कर दिया जाता है और CPWD ही उस काम को एग्जीक्यूट करता है। ये हो गया आपका रूल नंबर 134। और इसके बाद आते हैं हम इस चैप्टर के मेन पोर्शन पे। बहुत छोटा सा पोर्शन है कि एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा। ये जो हम सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहले देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशंस अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनियन। तो यूनियन के डायरेक्टली अंडर कंट्रोल में जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनका वर्क अगर CPWD करता है तो पूरा का पूरा ये जो अकाउंट कोड है वो उसमें फॉलो होगा। तो यहाँ CPW अकाउंट कोड यहाँ एप्लीकेबल है। कहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशंस अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनियन।
दूसरा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज पे ये जो अकाउंट कोड है ये एप्लीकेबल नहीं होता है, वहाँ पे उनका खुद का जो अकाउंट कोड है वो एप्लीकेबल होता है। तो दूसरी बात ये याद रखिएगा कि CPW अकाउंट कोड मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज पे एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद रेगुलेटेड बाय डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस, अगर गवर्नमेंट ने किसी वर्क के शुरू में ही कह दिया कि ये वर्क डिपार्टमेंटल एक रेगुलेशन के द्वारा गाइडलाइंस उनके द्वारा चलेंगे, तो वहाँ भी हमारा CPW अकाउंट कोड एप्लीकेबल नहीं होता है। और लास्ट में है CPW इंटरेस्टेड टू PWD ऑफ स्टेट, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स कोई सा भी है जो स्टेट के PWD को एलोकेट किया गया है, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कि एप्लीकेबल होगा लेकिन सब्जेक्ट टू द अकाउंट कोड वॉल्यूम 3। जो सेंट्रल का कोई वर्क है जो स्टेट के PWD से कराया जा रहा है वहाँ पे ये अकाउंट कोड एप्लीकेबल होगा लेकिन सब्जेक्ट टू अकाउंट कोड वॉल्यूम 3। जो चीज़ अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में मना किया गया है वो सब चीज़ ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी ये CPW अकाउंट कोड वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, पहला जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्टली कंट्रोल में है एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के वर्क्स में ये CPW अकाउंट कोड एप्लीकेबल होगा। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के वर्क हो रहे हैं तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट ने अगर वर्क से पहले बता दिया कि इस वर्क ये वर्क डिपार्टमेंट रेगुलेशन से रेगुलेट होंगे तो वहाँ भी CPW अकाउंट कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। और लास्ट में अगर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स को एंट्रस्ट कर दिया गया किसी स्टेट के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को तो वहाँ ये एप्लीकेबल होगा लेकिन सब्जेक्ट टू अकाउंट कोड वॉल्यूम 3। तो इतना सा है ये एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन और जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, पहला चैप्टर है CPWD का, तो ये केवल इतना सा था। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आपको फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।